रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार करेंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई आशंका। नए सीडीएस अनिल चौहान ने संभाला पदभार, कहा सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का करेंगे सामना। जगदानंद सिंह के बयान पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, अनहोनी का भय बताकर जेडीयू ने दिया आरजेडी को जवाब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल पर साधा निशाना, कहा राहुल राजनीति के लायक नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पुरी, नड्डा ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने दौरे की शुरुआत की। राहुल का भारत जोड़ो यात्रा का केरल चरण पूरा, बोले जितना दिया उसे दोगुना स्नेह मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को सुझाव, कॉरपोरेट कंपनियों से बनवाए जेल, बदले में दे कर्ज के छूट। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, कहा हम न्यायाधीशों से मशीन की तरह काम नहीं करवा सकते। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा मेरे सबसे अच्छे संबंध समाजवादी पार्टी के साथ है। गडकरी बोले हम गरीब लोगों के अमीर देश, अमीर गरीबों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है, इसे पाटने की जरूरत है। पायलट बोले मैंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया सोनिया से मिलने के बाद, कहा राजस्थान के मामले में निर्णय पार्टी लेगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, 8 महीने पहले हापुड़ में हमला करने वाले आरोपियों की जमानत रद्द कराने की मांग की। जामिया यूनिवर्सिटी में दो छात्र घुट भिड़े फायरिंग में, एक छात्र घायल, दोस्त को देखने पहुंचे अस्पताल में दूसरे गुट ने मारी गोली। बारामूला और शोपिया इलाके में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, तलाशी अभियान जारी है। पीएम मोदी की गुजरात यात्रा, भावनगर में पीएम ने कहा खाली हाथ नहीं आया हूं आपसे जो वादा करके गया था। वाराणसी में पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण का प्रयास, फॉर्चूनर सवार 4 लोग जबरन ले जा रहे थे, जांच में जुटी पुलिस। चार धाम से लौटते समय हादसे का हुए शिकार, वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर खड़ी ट्रक में घुसी सफारी, एक की मौत 2 घायल। नोएडा में कॉल सेंटर के सेकेंड फ्लोर पर लगी आग, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, 12 दिन से गायब था, मृतक भाई बोला आज मिला शव।
ट्रैक्टर में लगे कृषि यंत्र से कटकर युवक की मौत, जमीन की जुताई कर रहा था युवक, रोटावेटर की चपेट में आया, संभल की यह घटना। आगगा में थाना के पूर्व प्रभारी पे एसआई पर मुकदमा, थाने से आरोपी को छेड़ने व गलत रिपोर्ट देने का आरोप है। रायबरेली में बेटी के जन्म देना मां को पड़ा भारी, बेटी की मां बोली जब से बेटी हुई तब से मेरी बेटी को रोज मारते हैं। हाथरस में देवर की हत्या कर भाभी ने थाने में किया सरेंडर, दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला, 8 घंटे शव के साथ रही। महोबा में बकाया विद्युत बिल वसूलने के लिए चला अभियान, बकायेदारों को गांधीगिरी दिखाते हुए पहनाई गई माला। प्रयागराज में सीता स्वयंवर में हर्ष फायरिंग, मंचन में माता सीता के वरमाला पहनाते, 4 सेकंड में 3 फायरिंग, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। सुल्तानपुर में चोरियों के खुलासों पर प्रश्न चिन्ह, ताबड़तोड़ घटनाएं, बंदुआ कला थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरी, दुकान को बनाया निशाना। अमरोहा में दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जमीन के पैमाइश के नाम पर मांगे थे 10,000, सीओ बोले जांच के बाद होगी कार्यवाही। कानपुर में हॉस्टल में नहाते वक्त लड़कियों के बनाए वीडियो, सफाई कर्मी के मोबाइल से मिले अश्लील वीडियो, छात्राओं ने छोड़ा हॉस्टल। आगरा में ऑटो चालक ने की हड़ताल, पुलिस पर लगाए उत्पीड़न के आरोप, लाल ऑटो का सेवला जाने से रोकने पर हो रहा है विरोध। कुशीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम ऋजेश पाठक, भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लखीमपुर खीरी में इलेक्शन ऑफिस पहुंचे डीएम, ईवीएम की फर्स्ट लेवल को किया चेक। चंदौली के चहनिया में लगा निःशुल्क बूस्टर डोज का कैंप, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शुरू हुई पहल, जन जन का होगा टीकाकरण। फतेहपुर में एसएसपी ने थानों का किया औचक निरीक्षण, अपराधियों पर नकेल कसने की दी हिदायत। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, मर्चेंट नेवी ऑफिसर की आटा कैटी डालने वाला बदमाश हुआ घायल। झांसी में दीप नारायण का दोबारा रिमांड चाहती है झांसी पुलिस, कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी। बाराबंकी में शारदीय नवरात्रि पर सजा माता का दरबार, रात के समय सिंह पर सवार होकर आती है मां, किसी को रोकने की नहीं है अनुमति। उन्नाव में प्रेमी ने प्रेमिका के मां बाप पर चाकू से बोला हमला, पुलिस में शिकायत करने के कारण था नाराज, दंपति जिला अस्पताल रेफर किए गए। बिजनौर में किशोर की गला रेत कर हत्या, लहूलुहान हालत में पड़ा मिला शव, आईडी कार्ड से हुई शिनाख्त। देवरिया के स्कूल में टीचर का थर्ड डिग्री टॉर्चर, नवी के छात्र को डंडे से पीटा, बाल भी नोचे, हाथ मरोड़ कर कहा दिमाग बहुत खराब है। विकास दुबे के भांजे पर लगा एनएसए, विक्रूकांड में विकास के साथ सेमी ऑटोमेटिक राइफल से बरसाई थी अंधाधुंध गोलियां।
अमेठी में तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई, डीसीएम सवार ड्राइवर समेत खलासी गंभीर रूप से हुए घायल। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के खेल को ग्रामीणों ने किया उजागर, प्राइवेट वाहन से लाखों के सरकारी उपकरण ले जाते समय ग्रामीणों ने पकड़ा। बुलंदशहर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक साथी हुआ फरार। गोंडा में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, टक्कर में बाइक सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल। अंकिता हत्याकांड में बड़ी अपडेट आई सामने, चेला बैराज से मिला मोबाइल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग के महज 3 हफ्ते बाद दूसरी नौकरी तलाशने लगी थी अंकिता, दोस्त ने किए चौंकाने वाले खुलासे। अंकिता हत्याकांड मामले में पहले दिन 7 घंटे पूछताछ के बाद शुक्रवार को भी पुष्प के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद देहरादून में 12 रिसोर्ट व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई, कई कैफे रेस्टोरेंट सील किए गए। हरिद्वार जिले की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होने जा रहा है चुनाव। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 279 प्रधान, 173 बीडीसी और 8 जिला पंचायत के परिणाम घोषित। उत्तराखंड से 10 अक्टूबर तक विदा हो सकता है मानसून, इससे पहले भारी बारिश की चेतावनी। अंकिता हत्याकांड मामले में बंतरा रिसोर्ट में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, नशे में चूर युवक युवतियां गाना गा रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान के गांव में उत्सव का माहौल, लोकगीतों पर थिरके ग्रामीण। उत्तराखंड में फिर महंगी हुई बिजली, इतने रुपए बढ़कर आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। उत्तराखंड में लोन के नाम पर बैंक को लगाया 18.49 करोड़ का चूना, सीबीआई के 9 पर दर्ज किया केस। उत्तराखंड में दबिश देने पहुंचे गदरपुर थाना प्रभारी के लोगों ने घेरा, आवेश में महिला को जड़ा थप्पड़। सत्रह अक्टूबर को शंकराचार्य की गद्दी पर विराजेंगे अविमुक्त शिवानंद, उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ में होगा अभिषेक। व्यापार में लिप्त मिली बांग्लादेशी महिला, महिला को प्रधान और पुलिस ने बताया दिया उत्तर प्रदेश का मूल निवासी। उत्तराखंड में अक्टूबर से पहले भारी बारिश का अलर्ट, यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे खुला। सख्त हो गए चीन को लेकर पाकिस्तान के तेवर, यूएस की सलाह ठुकराई, कहा हम अपनी शर्तों पर करेंगे ड्रैगन से बातचीत।
काबुल के स्कूल में बड़ा बम धमाका, ISKP के हमले में कम से कम 24 छात्रों की मौत, आतंकियों के निशाने पर शिया हजारा। की सड़कों पर तैर रहा खून का शार्क चक्रवान, ईवान से हालात खतरनाक, अंधेर में डूबे 18 लाख लोग। इमरान खान के जहरीले बोल, कहा कश्मीरियों को मूल भारत के साथ गुपचुप रिश्ते बना रहे शहबाज सरकार। नए किंग चार्ल्स की फोटो वाले सिक्के तैयार, 5 पाउंड 50 पेंस के सिक्कों पर लगाई गई फोटो, दूसरी ओर एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर भी रहेगी। % हिस्से पर आज से रूस का कब्जा। ब्रिटेन में वित्त मंत्री को हटाने की उठी मांग, कई सांसद बोले नहीं हटाए तो बगावत होगी, ऋषि सुनक कमबैक की चली मुहिम। भारत से पिनाका रॉकेट और मिसाइल खरीदेगा आर्मेनिया, पड़ोसी देश अजरबैजान से तनाव जारी। पाकिस्तान के फाउंडेशन ने की भगत सिंह के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग, कहा उनकी बहादुरी को किया जाना चाहिए सम्मानित। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवात यान से तबाही, तूफान ने साउथ कैलिफोर्निया का रुख किया। महंगे होंगे होम और कार लोन, 20 साल पहले 30 लाख से लोन पर करीब 2 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, RBI ने ब्याज दरें बढ़ाई। सिट्रोएन की ईवी कार ओली रिवेल, 1000 किलो की गाड़ी सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर चलेगी, कार्डबोर्ड से बनाए रूफ और बोनट। फर्जी सिम यूज करना पड़ेगा भारी, व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे ऐप्स के फेक आईडी यूजर्स पर होगा एक्शन। कार में 6 एयरबैग जरूरी करने का फैसला टला, गडकरी बोले अभी सप्लाई में दिक्कत, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नियम। सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 50,000 और चांदी 55,000 के पार निकली, आने वाले दिनों में जारी रह सकती है तेजी। मुकेश अंबानी को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, IB की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। बीमा कंपनियों ने की 824 करोड़ की GST चोरी, 15 कंपनियों, मध्यस्थों और बैंकों के परिसरों में तलाशी। लेडी इंडिया ने लॉन्च के एयरपोर्ट से HL तक एयर सर्विस, 12 मिनट के सफर के चुकाने होंगे 3,250 रुपए। एप्पल जैसी कंपनियों को 45 अरब का प्रोत्साहन देगा केंद्र, चीन के उत्पादन आधार को मिलेगी चुनौती। सरकार ने उधारी का लक्ष्य घटाया, अक्टूबर मार्च छमाही में 5.92 लाख करोड़ रुपए लेगी कर्जा। PM ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया, बोले जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा, इंडिया गेम्स में 6500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जीत की हैट्रिक के साथ टॉपर इंडिया कैपिटल्स, लीजेंड्स लीग में इंडिया कैपिटल्स ने मणिपाल टाइगर्स को 7 विकेट से हराया।
इरफान पठान का सुपर शो ऑस्ट्रेलिया दिग्गज को जड़ी, 4 छक्के इंडिया लीजेंड्स को फाइनल में पहुंचाया। दीप्ति शर्मा के रन आउट पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया, कहा मैं बल्लेबाज को वापस बुला लूंगा। शामरा ब्रुक्स की विस्फोटक पारी से जैमिका ने गनाया को हराया, फाइनल में 12 बोनस से भिड़ेगी। टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण नहीं खेलेंगे। मोहम्मद सिराज लेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में इंडिया रायपुर में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, नहीं चला सचिन का बल्ला। गजब के फॉर्म में है पाकिस्तानी ओपनर रिजवान, टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में रहना होगा सावधान। हम जल्द बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन, झूलन गोस्वामी बोली, 23 साल बाद इंग्लैंड में मिली जीत, सबसे बड़ी अब विश्व कप की बारी। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण, अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बीच स्टाइलिश लुक में आई नजर। मॉर्निंग वॉक करने निकले अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर, यूरोप के ग्लासगो में खूब की मस्ती, शेयर किया वीडियो। रिलीज हुआ भेड़िया का टीजर, जंगलों के बीच खूंखार भेड़िए की दुनिया में होगी एंट्री, जोरदार बैकग्राउंड ट्रैप ने बढ़ा दी फैंस की एक्साइटमेंट। पहले दिन थिएटर पहुंचे सुपरस्टार विक्रम, लोगों से पूछा कैसी लगी मूवी, फैंस बोले सर यू आर अमेजिंग। हुआ रिलीज राम के अवतार में नजर आए प्रभास, लग्जरी गाड़ी छोड़ सारा ने किया ऑल्टो की सैर, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल, फैंस बोले ऑल्टो लेकर घूम रही है सैफ की बेटी। श्वेता तिवारी का लेटेस्ट वीडियो सैया दिल में आना रे गाने पर किया डांस, ट्वीट एक्सप्रेशंस के साथ फैंस हुए खुश। पाकिस्तानी एक्टर संग डेटिंग पर अमीषा पटेल ने किया रिएक्ट, बोली ये पूरा मामला बहुत ही क्रेजी और बेवकूफी भरा है। कंपोजर ललित पंडित ने इंडस्ट्री में पूरे किए 2.5 दशक, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया कॉन्सर्ट, अलका याग्निक जैसे सिंगर्स हुए शामिल। जिंदगी का ट्रेलर हुआ रिलीज, सच्ची घटना पर आधारित फिल्म, साउथ एक्ट्रेस रेवती मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिलहाल इस शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।